नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जलपरी में। आज हम आपको एक ऐसे कपल के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने ऐसे पोज में फ़ोटो डाली कि सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। आजकल फ़ोटो क्लिक करते समय लोगों को रिस्क लेने का अलग ही शौक है। अभी तक तो बस हमने कुछ लोगों को बुर्ज खलीफा के ऊपर सेल्फी लेते हुए देखा था, कुछ को हमने खाई के पास सेल्फी लेते हुए भी देखा होगा, लेकिन अब एक जोड़ी ने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं। ये लोग एक चलती ट्रेन के बाहर लटक कर पोज दे रहे हैं और किसी फोटोग्राफर ने उनकी तस्वीर क्लिक कर ली। वैसे ज़िंदगी को खतरे में डालकर तो काफ़ी लोग तस्वीरें क्लिक करते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जिनको जनता ट्रोल कर देती है। जी हाँ, जाने माने ब्लॉगर रेक्यूल और मिग्यूल काफ़ी लंबे समय से अपनी खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम के पेज पर शेयर कर रहे हैं। उनके इस पेज पर काफ़ी फॉलोअर हैं और लोग उनकी तस्वीरों को काफ़ी पसंद भी करते हैं, लेकिन इस बार उनको लोगों से वही प्रतिक्रिया नहीं मिली। बता दें, इन दोनों ने अपनी श्रीलंका की एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इस तस्वीर में दोनों चलती ट्रेन के दरवाजे पर लटके हुए हैं। वे दोनों तो अपनी इस तस्वीर से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और भगवान की दी हुई इस खूबसूरत ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना चाहिए। उनके इस पोस्ट के बाद लोगों ने खूब ट्रोल किया और उन्हें आईना भी दिखाया। एक इंसान ने लिखा, कृपया करके इस प्रकार की तस्वीरें शेयर ना करें, ये सिर्फ ज़्यादा लाइक्स पाने का हथकंडा है और कुछ नहीं। अगर आपकी तरह कोई दूसरा कपल भी ऐसी तस्वीरें खींचने की कोशिश करे और उसे कुछ हो जाए तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आपने ये बहुत गैरजिम्मेदाराना हरकत की है। कई और लोगों ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया दी। एक ने लिखा, अपनी खुद की जान को जोखिम में डालना कितना तर्कसंगत है, मेरी नज़रों में तो ये असंवेदनशील है। वैसे जब तक फ़ोटो को ट्रोल किया जा रहा था वो ठीक था, लेकिन कुछ लोगों ने तो व्यक्तिगत टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। एक जनाब ने लिखा, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड की जान को खतरे में डाला और खुद ट्रेन के अंदर खड़ा हुआ है। लेकिन इस व्यक्ति को जवाब खुद रेक्यूल ने दिया। उन्होंने लिखा कि लड़के ने मुझे खतरे में नहीं डाला और मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे जो करना है मैं वो कर सकती हूँ। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वह सिर्फ वही काम करती है जिसमें वह सहज महसूस करती हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।